आप लोग को लर्न करना है फॉर द डिक्टेशन से, आप लोग को याद करना है प्लग, PLUCK प्लग, प्लग मीन तोड़ना, तोड़ना। मैम मैम इसको लिखना है? नहीं नहीं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग व्हाट आई एम सेइंग प्लीज लिसन मैम, बोलिए बोलिए लिखना है? नहीं बेटा, आप लोग को कल सेंड कर दीजिए इसको वर्ड मीनिंग, आई हैव सेंड इट। प्लक PLUCK प्लक मीन्स तोड़ना एंड द ड्रुपिंग, ड्रुपिंग मीन्स रुकना, रुकना भी हो सकता है और मुरझाना भी हो सकता है, ध्यान दीजिए बेटा। And the carried, 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 ले जाना, PORED, poured, डालना, खेलना, राइप, RIPE, राइप, पका हुआ। And the tasty, good morning ma'am, good morning, tasty, 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 स्वादिष्ट। And now the मैम सबको म्यूट कर दीजिए। नो मैम, मैम मेरे लास्ट लास्ट वन मूवमेंट, पल या समय मैम बता दीजिए। व्हाट व्हाट मिसिंग वन थिंग, लास्ट लाइन इज मैम सबको म्यूट कर दीजिए। समय, हाँ एवरीबॉडी नाउ म्यूट, आई एम गोइंग टू म्यूट देन यू हैव टू ओपन द चैप्टर 9 ये इसको आपको याद करना है फॉर द डिक्टेशन टेस्ट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऑल ऑफ यू, यस आई हैव सेंड इट ऑलरेडी, आई हैव सेंड इट दिस वर्ड मीनिंग आप लोग को हम भेज चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर 9, चैप्टर 9 वी विल स्टार्ट द चैप्टर 9 मैम, ये हो गया मैम, देखिए तो चैप्टर 9 ओपन द पेज नंबर 59 एंड चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 59 एंड चैप्टर नंबर 9। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अप्पू एट बनाना, अप्पू बनाना खाया, बनाना ज्यादा खाया बनाना। अप्पू लाइक बनाना वेरी मच, अप्पू क्या है, अप्पू एक हाथी का नाम है, उसको बनाना बहुत पसंद है तो वो बनाना खाया। ही प्लक एंड ईट इट्स बनाना फ्रॉम द ट्री एवरी डे, आपको बोले ना प्लक मीन्स तोड़ना, वो प्रत्येक दिन बनाना को ले तोड़ता था और खाता था। फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे प्रत्येक दिन। नाउ चेंज द पैरा, वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्री वॉज ए ड्रूपिंग, इट्स हैड नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक दिन वो क्या देखती है कि बनाना ट्री है सो ड्रूपिंग, झुक रहा है, झुक रहा है या मुरझा रहा है, क्यों, ड्यू टू द रेन, नहीं है बारिश नहीं होने के वजह से वो झुक रहा है, लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। नाउ द चेंज द पैरा, सेकंड पैरा, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू, और अप्पू क्या सोचता है कि अरे ये बनाना ट्री तो मुरझा रही है, अब क्या करना चाहिए, इसको तो जीवित रखना है, तो अगर जीवित नहीं रखेंगे तो ये फल नहीं देगा, फल नहीं देगा तो हम खाएंगे कैसे, तो क्या सोचता है, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेट अप्पू, अपने सूंड में हम क्या करेंगे पानी को भर लेंगे। और ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द रिवर, और वो और चलना शुरू कर दिया नदी के पास। नाउ नेक्स्ट लाइन, अप्पू ड्रंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी, ही बाथेड His body with his tongue. और अप्पू क्या करता है, नदी में जाता है और दम तक पानी पीता है जब तक कि उसकी आत्मा को तृप्त न हो जाए,
और वो पूरा पानी पी के उसके बाद उसी ट्रंक सूर्य में पानी भर के अपने बॉडी को स्नान करता है, बात करता है, बात हिज बॉडी. नाउ लास्ट लाइन, देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर इट ऑन द बनाना ट्री. और क्या कहता है, अपना ट्रंक सूर्य में पानी भर के लेकर और बनाना ट्री को पोर कर देता है या डाल देता है. देखिए पोर, पोर डाल देता, डाला और ले जाकर डाला. एज सून एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव. क्या होता है, बनाना ट्री को जब पानी मिलता है तो अलाइव, जीवित हो जाता है, वो ताजा हो जाता है. अपू सेड फ्रॉम नाउ नो आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे. अपू बोलता है बनाना ट्री को, ओह आज से प्रत्येक दिन मैं आपके लिए पानी लेकर आऊंगा और आपको उस पेड़ को मैं डाल दूंगा. पेड़ से बोलता है, आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी ए राइट एंड टेस्टी बनाना. और जब हम पानी देंगे तो आप जीवित रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं, तो हमको आप पका हुआ ताजा बनाना देंगे. ओके, आप लोग भी बनाना पसंद करते होंगे ना? कितने लोग बनाना खाना पसंद करते हैं, हैंड्स अप. कितने लोग बनाना खाना पसंद करते हैं, हैंड्स अप. वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना? येलो. नाउ हाउ डिड अपू नो दैट द बनाना ट्री नीडेड वाटर. अपू कैसे जानता है कि बनाना ट्री को पानी चाहिए? द बनाना ट्री वेयर ड्रूपिंग. This made Appu know that the banana tree needed water. Appu देख रहा है कि बनाना ट्री ड्रूपिंग हो रहा, झुक रहा है, मुरझा रहा है और झुक भी रहा है, तो इसको उससे वो अप्पू सोचता है कि ये इसलिए कि इसको पानी चाहिए. From where do the plants grow around your house get water? आप लोग को ये फील करना, इसी ये बुक में फील नहीं है, ये हम लोग फील करेंगे, आपको हम लिखवा देंगे बाद में. तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर. आपके घर के आसपास में छोटे छोटे पौधे, उनको पानी कहाँ से मिलता है? और बड़े पौधे हैं घर के आसपास में, पीछे जैसे बड़े बड़े नीम पेड़, सीसम पेड़ ट्री, मैंगो ट्री, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, तो उनको पानी कहाँ से मिलता है? तो उनको पानी मिलता है रेन से. जब बारिश होती है तो बड़े बड़े पेड़ पौधों को पानी बारिश से मिल जाते हैं. और जब घर में छोटे छोटे पौधा रहता है, फ्लावर्स ये सब का, तो आप लोग खुद पानी डालते होंगे अच्छे अच्छे फूल सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए. छोटे छोटे ये गमला में आप लोग फूल लगाते हैं, तो उसका पानी आप लोग खुद भी देते होंगे और रेन वाटर भी कभी मिल जाता होगा. एंड नाउ नेक्स्ट लाइन, अपू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी. हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर? अपू पानी तब तक पिया जब तक कि वो खुश ना हो जाए, पानी पीकर संतुष्ट ना हो जाए. तो क्या आप लोग कभी देखे हैं कोई जानवर ऐसे इधर उधर पानी पीते हुए? बिल्कुल देखे होंगे, सब जानवर कहाँ से पानी पिएंगे. यस, आई हैव सीन द एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर इन द फॉलोइंग प्लेस, द पॉन्ड वाटर, फॉल ड्रेन एंड रिवर ऑल्सो, दे टेक ड्रिंक फ्रॉम द एनिमल्स फ्रॉम दैट प्लेस. छोटे छोटे पॉन्ड रहते हैं या नदी में, कहीं नदी के किनारे या फिर कुआं के पास कुछ गड्ढा रहता है पिट, उसमें पानी जम एकत्रित रहता है, तो उससे वो पानी पीते हैं जानवर, जो ये जंगली. और लेकिन जो कुछ जानवर हम अपने घर में रखते हैं, वी गिव वाटर हिमसेल्फ. वो जब हम अपने घर में कुछ जानवर रखते हैं तो हम लोग स्वयं पानी देते हैं उनको पीने के लिए. नाउ द थर्ड लाइन, Give you ever even water to any animals? If yes, which animals? क्या कभी तुम किसी जानवर को पानी दिए हो? अगर दिए हो तो किस जानवर को? Yes, I have given water to the cow and dog. अक्सर लोग गाय और कुत्ता घर में अपने पेट पालते हैं तो उनको अक्सर वो पानी दे दिया करते हैं. Okay? Now the last line. Some animals are not given water by anyone. From where do they drink water? कुछ animals ऐसे हैं उनको कोई पानी नहीं देता है, तो वो कहां से पिएंगे? फ्रॉम द रिवर, पॉन्ड्स, ड्रेन्स, नाली में से, वहां उस जगह से वो पानी पिएंगे. ओके, तो हम लोग तो अपने ताजा पानी पीते हैं, टेप का पानी पीते हैं, एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, लेकिन जानवर तो कहां से पिएंगे? वो तो नाले में से या तालाब में से, वहां से वो पानी पिएंगे. नाउ द नेक्स्ट लाइन, यू रीड
इन द स्टोरी दैट द अपू वाटर द बनाना ट्री बट एलिफेंट डोंट वाटर द ट्री. आप पढ़े हैं स्टोरी बनाना ट्री अपू वाटर द बनाना, मतलब आप तो अपू की कहानी सुने हैं कि अपू पानी दिया पेड़ में, लेकिन क्या जानवर पानी देते हैं? नहीं नहीं देते हैं. लेकिन अपू वो अपू और वो बनाना ट्री में फ्रेंडशिप था, तो वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते थे, इसलिए अपू बनाना ट्री को अपने ट्रंक में पानी भर के उसको पोर किया. देन वेयर डू द प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? प्लांट्स को कहाँ से पानी मिलता है? रेन वाटर से मिलता है, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, ये सब जमा रहते हैं. और फिर ये हैंड पाइप रहता है तो उसके आस पास में कुछ पानी जमा रहता है, तो वहां से भी जानवर पानी पी लेते हैं. When it rain plants seems लगता है to get a new look. जब when it rain plants seems to get a new look. जब बारिश से पानी, बारिश का पानी मिलता है पौधों को, तो उनका नया देखा जाता है कि नया नया पत्ते आते हैं, ताजा दिखते हैं, ताजा दिखते हैं. Now page number 68. पेज नंबर 61, सॉरी. अब हम क्या पढ़ेंगे? क्लाउड्स. ये टॉपिक है पानी के विषय में. पानी का इंपॉर्टेंट बताया गया है. जानवरों को पानी चाहिए, इंसान को भी चाहिए, और पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए. अब आते हैं हम बादल के ऊपर. बादल. द स्टोरी इज द पॉइंट इज फ्रॉम क्लाउड्स. फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द कलर अराइव इन ए मैजिक पैक. क्या होता है? फेयर साफ सफेद, ग्रे, ग्रे यानी एस कलर, उसको छाई रंग भी बोलते हैं, और ब्लैक काला. ये सबसे मिक्सअप से बादल दिखता है, बादल दिखता है वो. एंड द क्लाउड अराइव इन ए मैजिक पैक, लगता है वो जादुए है, वो तरह तरह का फिगर बनते रहता है बादल में. एलिफेंट एंड हॉर्स, कभी लगता है कि बादल में हाथी बन गया, कभी लगता है कि हॉर्स बन गया, घोड़ा बन गया. एंड डॉग्स एंड फॉन्स, डॉग कुत्ता का शेप भी दिखता है. एंड फॉन्स मीन्स हिरन के बच्चे को, डियर के बच्चे को क्या कहते हैं? फॉन्स, एफ ए डब्ल्यू एन एस. हिरन के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉन्स. तो कभी लगता है हिरन के छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं. समटाइम्स दे लुक लाइक ए पेयर ऑफ सॉन्स, और क्या कभी कभी दिखते हैं जोड़े हंस के जैसे दिखते हैं कभी. इन द मूवमेंट दे कम, इन द मूवमेंट दे गो. क्या होता है? कुछ गति से दिखाई देते हैं बादल, और कुछ कहीं से फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दिखाई देते हैं, और नाना प्रकार के जानवर आकार प्रकार उसमें हमको दिखता है, तो लगता है कि ये जादू जादू जादुई बादल है. एंड नाउ समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर ए वीक दे स्टे, और कभी कभी बादल एक एक सप्ताह रुक जाता है. देखते हैं ना आजकल कैसे मौसम है, ज्यादा दिन तक बादल घेरे रहता है और बारिश होता है, तो वो ज्यादा दिन तक एक सप्ताह रुक जाता है. एंड समटाइम्स दे डिसअपीयर फॉर ए मेनी डे, और कभी कभी वो गायब हो जाता है. डिसअपीयर मीन्स गायब हो जाना, डिसअपीयर मीन्स गायब हो जाना. कभी कभी गायब हो जाता है बहुत दिन से, बहुत दिन के बाद दिखता है. फॉर्म फॉर ए मेनी मेनी ए डे. समटाइम्स दे पोर, और कभी कभी गिरता है पोर. समटाइम्स दे थंडर, और क्या होता है? समटाइम्स थंडर, बिजली चमकती है. देखते हो बादल गरजता है, बिजली चमकता है. एंड स्प्रेडिंग द कलर, और कभी कभी वो जब बिजली चमकता है तो लगता है कि कुछ कलर का छिड़काव हो रहा है, यानी चमकने लगता है. इन द रेनबो ऑफ द वंडर, और कभी कभी कलरफुल रेनबो भी दिखता है. कब दिखता है रेनबो? रेनबो कब दिखता है? आफ्टर द रेन, रेन के बाद रेनबो दिखता है. रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, कब दिखता है वो? उसका डिफरेंट कलर है, और सात रंगी बोलते हैं. और वो जब बारिश बंद हो जाती है और हल्का धूप का भी असर रहता है, उसी समय हमको रेनबो दिखाई देता है. एंड समटाइम्स दे हेल, और क्या होता है? समटाइम्स दे हेल, हेल मीन्स क्या होता है? बर्फ का ओला. कभी कभी जब बादल गरजता है, बारिश होती है, तो कभी कभी पानी में दिखाई देता है, और कभी कभी हमको क्या दिखाई देता है? हेल, हेल मीन्स एच ए आई एल, हेल मीन्स बर्फ का, बर्फ या ओला. छोटे छोटे टुकड़े को बर्फ का ओला बोलते हैं, ओला. एंड द प्लिंटिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास
एंड द रिंगिंग द चिम्स। क्या होता है, कभी कभी लगता है कि प्रचंड हेल द प्लेटिंग द ग्राउंड, और बहुत मतलब मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार होती है ज्यादा तेज रफ्तार में, एंड द ब्रेकिंग, और लग रहा है कि ग्लास टूट रहा है, छन छन कर रहा है, एंड द रिंगिंग द चिम्स, और लग रहा कभी कि झिम 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 आवाज, यहाँ पे आवाज के विषय में बोला गया। कभी लगता है प्रचंड बारिश जब आती है तो झरझर झरझर करता है, चिम 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 करता है, आवाज आता है ना बारिश गिरने का, तो इसी को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि उसकी बारिश से आवाज भी निकलता है। और बारिश क्लाउडी मौसम में समटाइम्स स्नो भी गिरता है रेन के साथ साथ। ओके, दिस राइटर इज द हरीश निगम। इसका राइटर कौन है? हरीश निगम है। नाउ अब हम आपको बता देते हैं, एवरीबडी हैंड्स अप, एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टीच। वंस मोर आई विल टीच द ओके वंस मोर आई विल टीच द क्लाउड पोएम वंस अगेन मोर। ओके, एक बार और पढ़ा देंगे, बस जस्ट आई एम टीचिंग समथिंग यू, एंड दिस चैप्टर इज नॉट, दिस इज चैप्टर नंबर 9, सॉरी नंबर 9, नंबर 9। बिफोर आई हैव गिवन द नंबर 8 चैप्टर वर्ड मीनिंग, कल आप लोग को हम सेंड किए हैं नंबर 8 का चैप्टर, इसलिए अब नंबर 9, अभी हम नंबर 9 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ओके, अब आप ये देखिए, तो ये हम लोग को बारिश कहां से होता है, बारिश कहां से होता है, ये देखिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है, बाय द वे ये क्या है, रिवर, ये क्या है, रिवर, रिवर है ना, दिस इज सन, ये क्या है, सन, यस, दिस इज सन, ये सन है। अब क्या है, एंड दिस इज द क्लाउड, ये क्या है, क्लाउड, I forgotten to bring the colorful chalk. So understand what I'm doing. आप लोग समझिए इसको, ये क्या है, बादल है, ये क्या है, बादल है, what is this, this is cloud, okay, ओके ओके। अब देखिए आप लोग को बारिश, पानी, बारिश कैसे होती है, कहां से पानी आता है, अब देखिए इसको वाटर साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल, अब अभी 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 करते हैं, ये वाटर साइकिल कैसे, अब ये देखिए बारिश, धूप तेज, गर्मी के दिन में तेज धूप आता है, क्या होता है, बहुत तालाब, पानी, नदी, पता चलता है कि वो नल सूख गया, वो तालाब सूख गया, वो कुआं सूख गया, क्यों, ये सूर्य के प्रकाश से भाप बन के ये अब ये जाया, फिर ऐसे गया, ऐसे ऐसे, हाँ वेपर, तो ये क्या है, वेपर है,
ये क्या है वेपर, ये भाप बन के अब ऊपर ऊपर सूर्य के प्रकाश से जा रहा है। अब ये अब यहाँ बादल में ये बादल बन के ये जमा हो जा रहा है बादल। अब बादल क्या है, अभी हल्का है ये हल्का, अब ये डीप हो जाता है, भारी हो जाता है। अब ये बादल ये हल्का है यहाँ पे, तो अभी बारिश होने का कोई चांस नहीं है। जब बादल एकदम भारी हो जाता है तो क्या होगा, फिर बारिश बन के फिर नीचे आने लगता है। ये क्या है, अब फिर यही पानी ऐसे राउंड करके आ रहा वापस। फिर यहाँ बाय द वे ये आपका फ्लोर ग्राउंड है या रिवर समझिए, कुछ भी समझिए। अब ये क्या है, ये तो अब इधर से ये भाप बन के सूर्य के प्रकाश से भाप बना, भाप बन के इधर से गया बादल बना, बादल करके फिर नीचे आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, समझे। तो ये सब पानी के विषय में हमको अभी बताना था कि पानी कहाँ से आता है। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए, इंसान के लिए, पेड़ पौधे के लिए और जानवरों के लिए। ये पानी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Now once more I will teach again the cloud. Cloud poem एक बार फिर से पढ़ेंगे और वो मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। You have to repeat me. मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराएंगे। The cloud. Fair and white, grey and black. The cloud arrive in a magic pack. Okay. Elephant and horse, dog and fawns. Fawns बताए थे ना, हिरन के बच्चे को fawns कहते हैं। Sometimes they look like a pair of swans. And the in movement they come, in movement they go. Sometimes they freeze, जम जाता है freeze में, जैसा बर्फ जैसा जम जाता है। And for the week they stay, और सब तो रुक जाता है। And sometimes they disappear, गायब भी हो जाता है कौन, बादल, for a many day. Sometimes they pour and sometimes they thunder and spreading in the color in the rainbow of wonder. And the sometimes they hail, hail मतलब बर्फ का ओला, प्लीटिंग मतलब मूसलाधार, द ग्राउंड एंड द ब्रेकिंग द ग्लास, ग्लास टूटने की आवाज आती है बारिश का पानी से, एंड रिंगिंग द चिम्स। ओके, अनाद अच्छे, पेज नंबर 62। आप लोग को अपने नोट्स कॉपी में रेन, रेन देखिए दो चीज बना सकते हैं, एलिफेंट और बनाना ट्री। अगर इफ यू वांट, अगर आप और एबल टू आप कर सकते हैं तो बनाना ट्री और एलिफेंट बनाइए नोट्स लिखने के पहले, और या तो रेन को बनाइए और रेन बनाइए, रेन दिखाइए, और नाव बनाइए, रिवर बनाइए, सीनरी बना दीजिए फर्स्ट फर्स्ट रेन, यू हैव टू शो द रेन एंड द नाव। पेज नंबर 62, टर्न योर पेज 62। The poet saw many things in the cloud. Have you ever seen anything in the cloud? What? Poet जो है तो बहुत चीज देखा बादल में। आप देखे हैं? Hands up. आप लोग देखे हैं? Hands up. बादल में आप लोग क्या क्या देखते बताएं ना? हाँ, very good. आप लोग बादल में क्या देखते हैं? तो different types of and shape of animals. कभी लगता कुत्ता है, हाथी है, हिरन के बच्चे हैं। तो हम लोग बादल में ये सब बहुत सारे चीज देखते हैं। हैव यू सीन, आप लोग देखे हैं कि नहीं? तो हम लोग भी देखे हैं, यस हम लोग भी देखे हैं। व्हाट क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट क्या, वो एलिफेंट, हॉर्स, फॉन्स एंड द डॉग्स एंड ईटीसी, और आप याद कर लेंगे चैप्टर में। एंड व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू, क्लाउड्स क्या करता है, क्लाउड्स हमारे लिए बारिश लाता है पानी, और समटाइम्स बर्फ भी लाता है, हेल ओला लाता है, ओला बर्फ।
एंड हैव यू एवर सीन द रेनबो? क्या आप रेनबो देखे हैं? इंद्रधनुष, बारिश के बाद अक्सर आप देखते हैं, व्हाट इज मैम? आगे Have you ever seen a rainbow? Hello, आ रहा है ना बोर्ड? ये दिखाई दे रहा है बेटा, hands up. मेरी आवाज और बोर्ड दिखाई दे रहा है, hands up. ठीक है. No. Have you ever seen a rainbow? When can you see the rainbow? क्या आप रेनबो देखे हैं और कब देखते हैं? कब देखते हैं? जब बारिश बंद हो जाता है और हल्का हल्का धूप का ये रे दिखाई देता है, हल्का हल्का, उस समय हम रेनबो देखते हैं. क्या देखते हैं? रेनबो, इंद्रधनुष. हाउ डू यू फील व्हेन इट इज रेन? आप जब रेन रहता है तो, जब रेन रहता है तो आप कैसे महसूस करते हैं? रेन रहता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं. रेन रहता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठंडा लगता है. गर्मी के दिन में बारिश हो तो ओहो कितना अच्छा आनंद आ रहा है, रेन का एंजॉय लेते. उसमें हम लोग बोट पेपर का, आप लोग बच्चे, छोटे बच्चे पेपर का बोट बनाते हैं, उस पे सेल करते हैं, तैराते हैं. तो बारिश जब जम जाता है आफ्टर रेन, तो आप लोग उस पे ये करते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है. वी फील वेरी हैप्पी. ए पार्ट ऑफ द क्लाउड्स, व्हाट डू यू सी द सी व्हेन इट इज रेन? जब बारिश होता है तो आप क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि सब बच्चे खुश हो जाते हैं बारिश से, वातावरण में ठंडा हो जाता है, पेड़ पौधे जीवित हो जाते हैं. तो ये सब हम दिखते हैं. और बच्चे क्या करते हैं? हैव व्हेन द रेन मेक्स पेपर रेन, द पेपर मेकिंग बोट्स एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन, इज इट नॉट? और इट क्या, जब बारिश होने लगता है तो क्या होता है? बच्चे वो पेपर का नाव बनाते हैं, उसको सेल करवाते हैं और मनोरंजन करते हैं, एंजॉय करते हैं. क्या ऐसा है ना? है, हैंड्स अप. ऐसा है, पेपर का बोट बनाते हैं आप लोग, हैंड्स अप. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ द लास्ट लाइन, मेक ए पेपर बोट एंड फ्लोट इन ऑन वाटर. और पेपर बोट बनाइए और पानी में तैराइए और इंजॉय कीजिए. Have you had any problem during rain? Rain के समय आपको कोई problem होता है? Have you seen anyone else having any problems due to rain? Draw the picture of you and experience in the rain. अब देखिए, last में आपको एक box बना है, उस box में picture बनाना है. क्या होता है? वो बच्चे जब बारिश होती है तो कभी कभी तुम लोग कहीं जा रहे, स्कूल जा रहे हैं, तो उसमें आप लोग बारिश हो जाती है, अचानक आप अम्ब्रेला नहीं लिए रहते, रेनकोट नहीं पहने रहते, क्या होता है? आप लोग बहुत परेशानी होता है. तो आप लोग मुंह बना लेते हैं. और कभी कभी आप लोग को खेलने का इंजॉय है और इंजॉय करना है, तो आप लोग रेनकोट पहने हैं, अम्ब्रेला लिए हैं और बारिश हो रही है, तो उसके बीच में आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? आप लोग क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे ना, हंसेंगे. तो यहाँ पे आप लोग का ये फेस बनाना है. इन योर नोट्स बुक यू हैव टू ड्रॉ रोने का, हंसने का दो चेहरा बनाना है और ड्रॉ बारिश, ऐसे 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 बारिश दिखाना है, रेन रेन दिखाना है. यहाँ पे दो फेस ऐसा है. ये क्या है? अब दो दो बच्चे हैं, वो डरे हुए हैं. ये दो बच्चे रो रहे हैं, डर से मुंह बनाए हैं, ये डरे हुए हैं.
जो दो बच्चे डरे हुए हैं, नाउ नेक्स्ट दो बच्चे ऐसे हैं, टू स्टूडेंट्स नॉट बच्चे, सॉरी। अब ये देखिए, दो बच्चे बहुत हंसे हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग बिकॉज दे आर टेकिंग एंजॉय ऑफ द रेन। ये हंस रहे हैं बिकॉज दे आर एंजॉयिंग ऑफ द रेन। ओके, मैं अनम्यूट देम। मैम पॉर मतलब मैम अपना मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम आपका वीडियो नहीं मतलब क्या होता है? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। राइटिंग मतलब क्या होता है? आपके वीडियो साफ नहीं आ रहे।